अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑथर बायो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे किस तरह ऐड कर सकते हैं और ऑथर पेज को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ऑथर बायो ऐड करने की वजह EAT है। ये तीन फैक्टर्स हैं जिन्हें गूगल चेक करता है जब जब भी किसी वो ब्रांड को देखता है: एक्सपर्टाइज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। तो ये एक मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है, ये मोज वालों ने इसके ऊपर लिखा था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये गूगल की जो क्वालिटी रेटर्स गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक भी ऑथर जो है वो ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो हेल्थ नीचीज़ होती हैं उनमें, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर कोई गलत बंदा एडवाइस दे तो जानी नुकसान भी हो सकता है। इस वजह से गूगल देखता है कि जो इस टॉपिक के ऊपर लिख रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसने क्या किसी और वेबसाइट के ऊपर भी लिखा है उसको, वो विकिपीडिया वगैरह से भी देखते होंगे और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट की, जो दूसरी वेबसाइट की ऑथर बायोज होती हैं उनके साथ भी कंपेयर करते होंगे, मतलब उसका सारा बैकग्राउंड चेक करके। अगर वो एक मार्केट का एक्सपर्ट है तो फिर उसको रैंकिंग बूस्ट भी मिलता है। तो वो तो है हेल्थ में, जो दूसरी नीचीज़ हैं उनमें भी होता है लेकिन उनमें इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शुरू में इसे डिसेबल किया था, इसे अब अनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे अनेबल किया, सेव चेंजेस। उसके बाद ये जो है जनरेट प्रेस, इसमें ऑथर बॉक्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं होता, आपको एक प्लगइन करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं इधर ऑथर बॉक्स नहीं शो हो रहा। अगर नाम के ऊपर क्लिक करें तो ये एक मसला आ रहा है इसकी वजह से। तो इस मसले के हल के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक न्यू यूज़र। आप पहला नेम इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेस की बजाय, स्पेस तो यूज़ नहीं हो सकती और डैश जो है वो भी थोड़ा नॉन एसईओ फ्रेंडली हो जाती है, तो आप फर्स्ट वर्ड यूज़ करें। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर, ऐड न्यू यूज़र, चलिए उसके बाद यहाँ से करेंगे लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद यूज़र्स, ऑल यूजर्स, उसके बाद इसे करते हैं डिलीट। यहाँ से एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू न्यू आईडी, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे ऑथर की बायो, उसके बाद ऐड न्यू, सिंपल ऑथर बॉक्स इंस्टॉल, एक्टिवेट। स्किप
अगर आप मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो इसे अनेबल करके ये कोड आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या PHP एडिट करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे योर प्रोफाइल, अपलोड इमेज, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो ये नीचे बॉक्स शो हो रहा है। अगर हम चाहें तो सोशल लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इतने खास मैटर नहीं करते। अच्छा जी, ये डिटेल्स यहाँ पे भी ऐड हो गई। उसके बाद ऑथर पेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इन्हें ख़त्म कर देंगे। तो इस क्लास को कॉपी किया। अगर आपको पता नहीं कि ये कहाँ पे है, तो आपको पूरी थीम डाउनलोड करके उन सारी PHP फाइल्स को नोट पैड प्लस प्लस में देखना पड़ेगा। तो यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। ये कंटेंट डॉट PHP फाइल ओपन किया मैंने। तो ये देखें, अगर ये हो तो फिर इंटरनल डुप्लीकेट कंटेंट के इश्यूज हो सकते हैं, इस वजह से बेहतर है कि इसे रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद अब सर्च कंसोल में हम इसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त। वर्डप्रेस, SEO, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स एकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें SEO मास्टर्स एकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।